हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ पंजाबी चिकन कड़ी की रेसिपी। सो आइए जल्दी से इस रेसिपी को देख लेते हैं। पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो ये मैंने बाउल में पहले से ही दही 2 कप के करीब रखा हुआ था और इसमें मैंने डाल दिया है चिकन और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमें सब्जी में भी नमक डालना है इसलिए थोड़ा सा कम डालेंगे। और ये मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के करीब। यह है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये है कश्मीरी लाल मिर्च और ये है गरम मसाला 1 चम्मच। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिलाने के बाद 1/2 घंटा के लिए यानी 30 मिनट्स के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैं इसे ढक लूँगी और अब हम चलते हैं बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें डाला है मैंने ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है जीरा। फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, ये मैंने डाला है 3 बड़े प्याज है ये। और इसमें मैं डालूंगी, इसको अच्छे से पहले हम मिला लेंगे ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, अदरक की कुछ टुकड़े और ये है 1 सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ता। इस सब को हम अच्छे से इसमें भून लेंगे जब तक कि हमारा जो प्याज है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। तो ये जो हमारा प्याज है गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। और ये जो है मैंने पीस लिया है, ये देखिए उसका पेस्ट रेडी है। अब मैंने एक कढ़ाई में डाला है बटर, इसको हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें हम डालेंगे तेल। और ये जो बटर है इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे थोड़ा। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा। तो ये मैंने जीरा डाल दिया है। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने मिक्सी में एक ओनियन का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें हम डाल लेंगे और अच्छे से इस पेस्ट को भून लेंगे। और इसे जो है मैंने अच्छे से भून लिया है 5 मिनट के लिए। और जैसे ही ये अच्छे से हम भून लेंगे उसके बाद हम इसमें बाकी के सामान मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी, ये मैंने कटोरी में एक कटोरी लिया है। ये मैंने 2 टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था, उसका प्यूरी निकाल लिया था। अब हम मसालों के साथ इसे फिर से भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, लेकिन ध्यान रहे पहले भी हम मैरिनेट करने के टाइम नमक डाले थे तो उसी ध्यान से हम इसमें नमक डालेंगे। और मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर और इसे जो है 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, उसका जो कच्चा वाला फ्लेवर होता है वो जैसे कि अच्छे से चला जाए। और ये जो मेरा मसाला है अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसमें मैं डाल दूंगी। और ये जो मेरा चिकन है इससे मैं अच्छे से भून लूंगी और एक ढक्कन ढक लूंगी और ढक्कन ढक के मैं 10 मिनट तक पका लूंगी। और अब हम ढक्कन को निकाल लेते हैं
और ये मेरा 10 मिनट पूरा हो गया है और मेरा चिकन जो है अच्छे से इसमें पक गया है। अब बस हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। और ये जो है मैंने पानी डाल दिया है, ये मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। और ये जो मेरा चिकन की रेसिपी है वो बन के तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाला है और ये मेरा पंजाबी स्टाइल चिकन करी की रेसिपी बन के तैयार है। आप सबने देखा पंजाबी चिकन करी कैसे बनाते हैं। आप इसे घर में जरूर बनाएं, खाएं, खुश रहिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं मेरी नई वीडियो के साथ।